नमस्कार, BNMU संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वित्तीय मामलों के जाने माने विशेषज्ञ नरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने 3 मई 2021 को BNMU मधेपुरा के वित्तीय परामर्शी के रूप में योगदान दिया। इस अवसर पर उन्होंने महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागु चौहान साहेब एवं कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रामकिशोर प्रसाद रमन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे दोनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाना और वित्तीय अनुशासन कायम रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसमें उन्हें सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों से सहयोग की अपेक्षा है। जी, मैं राजभवन द्वारा निर्गत नोटिफिकेशन के अनुपालन में आज डीएन मंडल यूनिवर्सिटी में वित्तीय परामर्शी के रूप में योगदान किया हूँ। विश्वविद्यालय और राजभवन ने मेरे ऊपर विश्वास करके यह दायित्व सौंपा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं वित्तीय प्रबंधन अनुशासन और नियमों के अनुकूल विश्वविद्यालय को उचित ढंग से उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि उक्त प्रबंधन में जहां भी कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे वह आपका सहयोग अपेक्षित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुलपति महोदय का माननीय कुलपति महोदय का आभार प्रकट करता हूं। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रामकिशोर प्रसाद रमन ने विश्वविद्यालय में सौसमय वित्तीय परामर्शी की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए उन्होंने महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री फागु चौहान साहेब के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजभवन सचिवालय ने सही समय पर सही व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी है। नए वित्तीय परामर्शी काफ़ी अनुभवी, कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ हैं और वित्तीय प्रबंधन के अच्छे जानकार भी हैं। इनके सहयोग से विश्वविद्यालय का समग्र विकास होगा। और यह विश्वविद्यालय के लिए एक अभूतपूर्व क्षण है। विश्वविद्यालय समग्र विकास की ओर जाएगा, हमें यह विश्वास है। और नरेंद्र बाबू काफ़ी सूझबूझ के लोग हैं, पहले भी यहाँ FO के रूप में कार्य कर चुके थे। इनकी कर्मठता, ईमानदारीता, सत्यनिष्ठा सबसे लोग परिचित हैं। इतना ही नहीं, ये वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करेंगे और विश्वविद्यालय का समग्र विकास होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नरेंद्र बाबू को आज के योगदान की तिथि पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हम इनसे अनुरोध करेंगे कि विश्वविद्यालय को विकास के ऊंचाई पर ले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कुलसचिव डॉक्टर कपिल देव प्रसाद ने कहा कि नए वित्तीय परामर्शी का BN मंडल विश्वविद्यालय से काफ़ी लगाव रहा है। ये यहाँ पूर्व में भी कार्य कर चुके हैं। उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नए वित्तीय परामर्शी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में सकारात्मक सहयोग करेंगे। को प्राप्त करें, ईमानदारी से प्राप्त करें और कार्य निष्ठा से प्राप्त करें, उसमें हमें आशा है कि हमारे नए FA साहब खड़े उतरेंगे। और ये हमारे पुराने भी आदमी हैं, जाने पहचाने हैं, इनको विश्वविद्यालय के प्रति दर्द है। मैं चाहूँगा जो ये विश्वविद्यालय को उस शिखर पर ले जाए और माननीय कुलपति को पग पग में सहयोग करें ताकि विश्वविद्यालय अपने ऊंचाई पर प्राप्त कर सके। कि राजभवन सचिवालय पटना द्वारा जारी अधिसूचना BSU FA 37/2018-661-GS1-29/4/2021 के तहत पटना के नरेंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के वित्तीय परामर्शी के रूप में की गई है। इन्होंने पूर्व वित्तीय परामर्शी सुरेश चंद दास का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 26 अप्रैल 2021 को पूरा हुआ।
नए वित्तीय परामर्शी को वित्तीय मामलों का काफ़ी अनुभव प्राप्त है और ये विश्वविद्यालय अधिनियम के भी अच्छे जानकार माने जाते हैं। इन्हें कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। वित्तीय परामर्शी के रूप में योगदान देने के पूर्व ये भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा में डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने अपनी मुख्य सेवा अवधि महालेखाकार कार्यालय पटना में बिताई है। यहाँ से सेवानिवृत्ति के कुछ दिनों पूर्व ये मुजफ्फरपुर में मुख्य लेखाकार रहे। साथ ही पटना विश्वविद्यालय पटना और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वित्तीय परामर्शी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा अप्रैल से सितंबर 2019 तक ये बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में वित्त पदाधिकारी भी रहे हैं। उस दौरान इनका कार्य एवं व्यवहार काफ़ी सराहनीय रहा है। आज नए वित्तीय परामर्शी के योगदान के अवसर पर वित्त पदाधिकारी राम बाबू महतो, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुहास शेखर, कुलपति के निजी सहायक शंभु नारायण यादव, का इस विश्वविद्यालय से काफ़ी लगाव है। पदाधिकारी भी यहां कार्य कर चुके हैं। उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि परिवार की ओर से भी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में महोदय को सकारात्मक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। मालूम हो कि राजभवन सचिवालय पटना द्वारा जारी अधिसूचना कि विश्वविद्यालय को इनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। कुल सचिव डॉक्टर कृष्णदेव प्रसाद ने कहा कि नए वित्तीय परामर्शी का इस विश्वविद्यालय से काफी लगाव है। ये पूर्व में भी यहाँ कार्य कर चुके हैं। उन्हें आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है कि नए वित्तीय परामर्शी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में सकारात्मक